नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको DCCN के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं विद आंसर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो जो भी आपको क्वेश्चंस बताए जाएं वो प्लीज़ आप अपने अच्छे से तैयार की करके जाइए, क्योंकि जो आपके कल एक जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी सभी स्टूडेंट से एक गुजारिश है कि जो जो हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पहले क्वेश्चन है डेटा कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना है, मिलता ही है कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। अब आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हैं कि डेटा, ठीक है, डेटा क्या होता है आप जानते हो, कम्युनिकेशन वाली संचार। लिखा है कि एक सोर्स और रिसीवर के मध्य डेटा अथवा इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर को डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। देखो डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन एक रिसीवर होता है, एक सेंडर होता है। सेंडर से रिसीवर तक जो भी मैसेजेस, जो भी डेटा को मतलब ट्रांसफर किया जाता है वही हमारा डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है डेटा ट्रांसमिशन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। अब एक आता है सिंप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स, मतलब सिंपल, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंपल, देखो सिंपल डेटा क्वेश्चन आएगा कि डेटा ट्रांसमिशन क्या होते हैं, डेटा ट्रांसमिशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो डेटा ट्रांसमिशन हमारे बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, सिंपल, ठीक है, एक हो गया हमारा हाफ डुप्लेक्स, एक हो गया हमारा फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो देखो सिंपल में क्या होता है, सिंपल हमारा वो होता है कि सिंपल में सिर्फ सेंडर ही सेंडर होता है। देखो साफ साफ इसमें लिखा भी है कि सिंपल इस ट्रांसमिशन मोड में डेटा को एक ही दिशा में भेजा जा सकता है, अर्थात डेटा को सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस को प्रेषित किया जाता है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, जो हमारी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है, जैसे सेंडर, सॉरी सिंपल में क्या होता है, सिंपल में आपका रेडियो हो गया, आप सिर्फ रेडियो में जो भी आपको कुछ बोला जा रहा है आप वो सिर्फ सुन सकते हो, अपने नहीं बोल सकते, वो हमारा होता है सिंपल ट्रांसमिशन मोड। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड वॉकी टॉकी जो होती है, जो रेलवे वाले यूज़ करते हैं, एक ड्राइवर के पास होती है वॉकी, एक पीछे जो हमारे गार्ड होता है उसके पास टॉकी होती है। तो वॉकी टॉकी मतलब आप वो बोलेगा तो उसको कुछ मिनट बाद, कुछ सेकंड बाद उसका आंसर मतलब रिसीवर के पास वो पहुंचेगा, ठीक है। तो वो होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स जो हम अपने कॉल पे बात करते हैं वो हमारा फुल डुप्लेक्स होता है, जो उसी टाइम पे जो वार्तालाप हो रहा होता है, उसी टाइम पे जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है वो हमारा फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड होता है, ठीक है। ये आता है एग्जाम में तो इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक लैन टोपोलॉजी कौन कौन सी है, प्रत्येक टोपोलॉजी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। या फिर ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ सकता है कि निम्नलिखित टोपोलॉजी के कंप्यूटर संयोजनों को चित्र सहित प्रदर्शित कीजिए, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैस टोपोलॉजी, या फिर रिंग टोपोलॉजी आ सकता है, या फिर टोकन बस की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखो सिंपल, आपको टोपोलॉजी सारी पढ़नी है, बस टोपोलॉजी हो गई, हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गई, रिंग हो गई, स्टार हो गई, मैस हो गई, ट्री हो गई, कोई सी भी जितनी भी आपकी टोपोलॉजी है, नेटवर्क की टोपोलॉजी, वो आप सारी पढ़ लीजिए, इनमें से आपको कोई ना कोई एग्जाम में 5 नंबर में जरूर जरूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा ट्रांसमिशन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, या फिर ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ सकता है कि डेटा ट्रांसमिशन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए, या फिर ये क्वेश्चन और अगले नए तरीके से आ सकता है कि डिजिटल व एनालॉग संकेतों की विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस बार भी एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन मीडियम से क्या समझते हैं, ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि जो कम्युनिकेशन का जो मीडियम होता है उससे आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि वायरलेस प्रौद्योगिकी की उदाहरण से व्याख्या कीजिए, या फिर वायरलेस ट्रांसमिशन क्या होता है, एक होता है वायर ट्रांसमिशन, एक होता है वायरलेस। वायरलेस ट्रांसमिशन हमारा वाईफाई हो गया, हमारी कॉलिंग हो गई, ये होगी हमारी वायरलेस, और वायर ट्रांसमिशन हमारी जो टेलीफोन हो गए, जो वायर लगे होते थे वो हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो हो गया, निम्न की परिभाषा लिखिए, बिटरेट और नॉइस क्या होता है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मॉड्यूलेशन क्या होता है और मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्या होती है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों होती है, और मॉड्यूलेशन कितने टाइप के होते हैं, एक होते हैं AM तथा FM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और एक होता है हमारा एनालॉग मॉड्यूलेशन, और एक होता है FM, ठीक है। WDM क्या होता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग वाला जितना भी टॉपिक है वो आप सब अच्छे से पढ़ के जाइए, आपको ये एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लैन एवं मैन की व्याख्या कीजिए। आपको लैन आना चाहिए, मैन आना चाहिए, वैन आना चाहिए, तीनों आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे ही जाते हैं। आप अच्छे से इसको तैयार करके जाइए, ठीक है। अगले टॉपिक की बात करें तो लैन मैन वैन में आपको डिफरेंस भी एक अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंस भी ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अगर इस टॉपिक की हम बात करें, इस चैप्टर से, मतलब इस इंपॉर्टेंट की सीरीज से, नेटवर्किंग में स्विचिंग मेथड्स क्या होते हैं, आपको बताना है कि नेटवर्किंग में स्विचिंग मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन थे जो 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन सबको जो मैंने आपको बताया सारे अच्छे से तैयार कीजिए और अच्छे से अच्छा अपना एग्जाम देके आइए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।